एवरीवन, माय नेम इज शिवांश भसीन एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द इन्वेस्टोलॉजी। सो गाइस, आज हम लोगों ने वीडियो अपलोड कर दी है द बेसिक ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स टेक्निकल एनालिसिस के लिए। एंड ये एक वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज पे आप लोगों को एक्सप्लेन करी है कि आप कैसे मार्केट पे ट्रेंड्स और कैसे चार्ट पैटर्न्स एंड एवरीथिंग को क्लब करके एक ट्रेड ले सकते हो। इस पे बिल्कुल बेसिक से बता रखा है आपको सारी चीज़ों के बारे में जो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर यूज़ होता है। इसके अलावा और एवरी सैटरडे आप लोगों को ना लर्निंग सीरीज वीडियोस मिलती रहेंगी हमारी तरफ से। प्लीज डू लाइक दिस वीडियो अगर आपको पसंद आए, एंड उस वीडियो को जाके जरूर देखना बिकॉज वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत एजुकेशनल वीडियो होने वाली है। डिस्क्रिप्शन पे मैंने ऑलरेडी लिंक डाल रखा है और आप हमारे चैनल पे जाके डायरेक्टली उसे देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि कल है मंडे, मंडे को कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड लेना चाहिए, क्या मार्केट का सेटअप हो सकता है, ओपन इंटरेस्ट का डाटा क्या कर रहे हैं, FIIs एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, बिकॉज वो लोग 2 से 3 दिन तक ऑन ए रेगुलर बेसिस बाय कर रहे थे मार्केट के अंदर, वो भी कैश में, जो बहुत टाइम से हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा था। सो आप वो लोग भी क्या कर रहे हैं, सारी डिस्कशन करते हैं इसी वीडियो के अंदर। प्यार देते रहिए आप लोग अपना मुझे, एंड इसी की तरीके से हम लोग ग्रो करते रहेंगे और आप लोगों को भी मदद करेंगे कि आप हम लोगों से भी ऊपर निकलते रहें। थैंक यू गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, मिलता हूँ मैं आपसे अंदर। सो गाइज, हम लोग अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे आ चुके हैं। सबसे पहला स्टॉक है MFSL। MFSL पे अगर आप यहाँ पर क्लियरली चेक करेंगे तो एक बहुत बढ़िया एक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं मेगाफोन पैटर्न। मेगाफोन पैटर्न अगर आपने सुना होगा एंड आपने बहुत जगह मेगाफोन देखा भी है, जो पुलिस अगर किसी को अरेस्ट करने जाती है घर के बाहर तो वो अनाउंस करती है उस मेगाफोन से, एंड रैली के अंदर जो यूज होता है एग्जैक्टली उस तरीके का दिखता है, आप यहाँ देख सकते हैं। सो मेगाफोन होता है कि मतलब एक हम लोग देखते हैं कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों दूर की तरफ शिफ्ट हो रहे होते हैं एंड एक फाइनल हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है। सो एक बहुत अच्छा, एक बहुत ब्यूटीफुल हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। आफ्टर दैट मार्केट एक क्लियर शॉर्ट टर्म, बिल्कुल शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड के अंदर था। आफ्टर दैट इट क्रिएटेड अ डबल बॉटम, फाइनली इसने एक अच्छे रेजिस्टेंस का ब्रोक करा, रीटेस्ट करा, अब ऊपर जा रहा है। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय द स्टॉक एट करंट लेवल्स, और मुझको पर्सनली लगता है कि अपने प्रीवियस हाइस तक इजिली जा सकता है। अब बात करें अगर इसके टारगेट्स की, तो जो मेगाफोन का टारगेट होता है वो होता है जो बॉटम एंड टॉप जिससे ब्रेकआउट आया है। सो अगर मैं उसको क्लब भी करता हूँ तो एग्जैक्टली जो प्रीवियस टॉप है हमारा, वही हमारा टारगेट निकल के आ रहा है। सो आई थिंक MSFL को हम लोग ऐसा शॉर्ट टर्म या एज अ स्विंग ट्रेड बाय कर सकते हैं। करंट लेवल इज 1033, आर टारगेट शुड बी अराउंड 1100 to 1125, एंड द स्टॉप लॉस दैट वी कैन पुट वी कैन यूज अकॉर्डिंग टू आर फिबोनाची रिट्रेसमेंट। सो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चेक करें तो 50% एक गुड सपोर्ट लग रहा है। आफ्टर दैट एक अच्छी खासी हम लोगों को यहाँ पर एक सपोर्ट यार्ड, हम जैसे कह सकते हैं डिमांड जोन क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है। सो डेफिनेटली वी कैन पुट अ स्टॉप लॉस बिलो दिस लेवल। सो ये स्टॉक बहुत अच्छा है, आई थिंक पर्सनली हमें अच्छा ट्रेड मिल सकता है इसके अंदर। सो हम बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक की। हमारा दूसरा स्टॉक है डाबर। डाबर पे अगर आप क्लियर देखेंगे तो एक ब्रेकआउट हमें बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। अब ये मैं आप लोगों को एज अ इंट्राडे ट्रेड दे रहा हूँ, ये एक ऐसा स्विंग ट्रेड नहीं है। ब्रेकआउट तो बहुत अच्छा है बट ये लेवल नहीं है वो बाय करने के लिए जो हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए ढूंढते हैं। सो फॉर एज एन इंट्राडे ट्रेड आई थिंक ये एक अच्छी मूव दे सकता है 10-12 रुपए की। सो लेट मी शो यू। अब देखेंगे एक बहुत अच्छा, तो पहली बात एक रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला है, एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड के अंदर था, उसके बाद यहाँ पर इसने पॉज लिया एंड अब ये ऊपर की तरफ गया एंड अपने हाई को तोड़ के एक ब्रेकआउट दिया अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करके। अगर हम यूज करते हैं अपना 1 आवर का टाइम फ्रेम, सो ऑन अ 1 आवर टाइम फ्रेम अगर आप यहाँ देख सकते हैं एक लोअर लेवल पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना एंड फाइनली उस लेवल को इसने ब्रेक करा है। अब एक छोटा सा रेजिस्टेंस हम लोगों को देखने को मिल रहा है 595 रुपीज पे, करंट प्राइस इज 587 रुपीज। सो आई पर्सनली थिंक 8 to 10 रुपीज की मूवमेंट ये कल एज अ इंट्राडे ट्रेड कर सकता है। दूसरी चीज अगर हम देखते हैं कि ये कल ओपन होता है और एक नेगेटिव साइड पे ओपन होता है, तो हम ये एरिया ऑफ वैल्यू देख रहे हैं, इस एरिया पे हम लोग एक बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। अगर स्टॉक एक डिप देता है तो वी कैन यूज अ फिबोनाची रिट्रेसमेंट फ्रॉम हेयर, और ये हम लोगों को एक बहुत अच्छा एरिया ऑफ वैल्यू देखने को मिल रहा है। स्टॉक के अंदर कभी भी इस रेंज के अंदर कभी भी डाबर अगर आए और वहां से ऊपर की तरफ जाए तो वहां पर अपनी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इनिशिएट कर सकते हैं डाबर के अंदर, और हमारा ये 595 रुपीज का एक टारगेट बन सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने लास्ट स्टॉक की। सो गाइस, हमारा लास्ट स्टॉक है एक्सिस गेट्स। एक्सिस गेट्स ऑलरेडी हम लोगों ने पहले भी प्रोवाइड करवाया था और इसी लेवल पे प्रोवाइड करवाया था, अभी एग्जैक्टली 108 रुपीज पे दोबारा ट्रेड कर रहा है। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें दोबारा देखने को मिल सकती है। अगर आप चेक करोगे तो ऑलमोस्ट 2015 से एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की कनेक्ट होती हुई आ रही थी एंड आफ्टर दैट फाइनली उसका हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला था।
आफ्टर गिविंग अ ब्रेकआउट, लगातार उस ब्रेकआउट के बाद से चार हफ्ते उसी के ऊपर सस्टेन कर रहा है और हर हफ्ता एवरी वीक वो एक अपने प्रीवियस वीक के क्लोज के ऊपर जाके क्लोज करता है, विच इज अ वेरी गुड साइन। अब यहाँ पर हम ओपन करते हैं ना डेली टाइम फ्रेम। सो अगर डेली टाइम फ्रेम हम ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं ये जो रेंज आप देख रहे हैं यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस फेस हो रहे थे प्रीवियसली भी, अगर हम जाएंगे तो एग्जैक्टली इस लेवल पे मल्टीपल रेजिस्टेंस थे और ये पर्टिकुलर मल्टीपल रेजिस्टेंस सबसे पहले एक सपोर्ट हुआ करता था। ये जैसे ही सपोर्ट ब्रेक हुआ उसके बाद हम लोगों ने बहुत टाइम तक ऑलमोस्ट अगर आप लोग चेक करेंगे तो 2018 से इस रेजिस्टेंस फेस कर रहा है ये जोन, बट फाइनली जाके इसने एक ब्रेकआउट दिया एंड आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड ब्रेकआउट ऊपर गया, इट गेव अ वेरी गुड ब्यूटीफुल रीटेस्ट। अब यहाँ से एक रिवर्स सल हमें देखने को मिल सकता है। सो आई पर्सनली थिंक ये स्टॉक एक अच्छे रिटर्न हमें दे सकता है, आप यहाँ पर स्टॉक को बाय कर सकते हैं एंड जो हम टारगेट एक्सपेक्ट करें दैट शुड बी अराउंड 118 विच इज आर फर्स्ट टारगेट एंड आई सेकेंड टारगेट इट शुड बी 125 रुपीज़, बट मेरा जो अल्टीमेटली टारगेट है 140 रुपीज़ के लिए है एंड मैंने अपने टेलीग्राम पे ऑलरेडी स्टॉक 140 के लिए सबको होल्ड करवा रखा है। जिसने भी बाय नहीं करा डेफिनेटली दे कैन बाय एट दिस प्राइस एज वेल, ठीक है। सो अब बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, ओपन इंटरेस्ट का डाटा एंड FII का डाटा। सो अभी हम लोगों ने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है, यहाँ पर अभी मैंने डेली टाइम फ्रेम ओपन करा है। डेली टाइम फ्रेम में ना कुछ जरा कैंडल्स को समझते हैं कि पैट स्टॉक इंडेक्स का बिहेवियर चल क्या रहा है। हमने देखा स्टॉक ने यहाँ से एक फॉल करना स्टार्ट करा, पुल बैक दिया अगेन इट फॉल्ट, पुल बैक दिया अगेन इट फॉल्ट। अब ये डायरेक्टली होना कंटिन्यूस बेसिस हम देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ गया अपने प्रीवियस स्विंग लो से एंड अब इसको चाहिए एक थोड़ा सा रेस्ट और शायद ही रेस्ट दे भी ना, इस तरीके से मूवमेंट हम लोगों ना कंटिन्यूस बेसिस दोबारा भी देख सकते हैं। सो यहाँ पर दो अपॉर्चुनिटीज निकल के आती है। सबसे पहले हुआ क्या, एक अच्छा खासा गैप डाउन हमें प्रीवियस टू प्रीवियस वीक देखने को मिला, उसके बाद दोबारा एक गैप अप देखने को मिला। अब ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस है अभी क्योंकि इसके ऊपर अभी तक क्लोज नहीं करा। अगर आप चेक कर रहे होंगे कि जब से इसने रैली करना स्टार्ट करा है एवरी रैली में हर एक वीकली हर एक डेली कैंडल हर एक कैंडल के ऊपर जाके क्लोज कर रही है, बट इस कैंडल के ऊपर से लगातार दो दिन तक इस कैंडल दोनों कैंडल्स ने इसके ऊपर क्लोज नहीं करा। सो आई पर्सनली थिंक ये एक एज अ रेजिस्टेंस एक्ट हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरी चीज, अगर हम इग्नोर भी कर दें इस लो को और अगर हम सिर्फ इस लो पे फोकस करें तो अभी भी एक लोअर लो ये क्रिएट कर रहा है। After that, एक continuous simple rally हमें देखने को नहीं मिल सकती है। So yes, we can expect some downside और वो downside हम लोग expect कर सकते हैं, इस level तक आ सकती है। So अगर कभी भी हमें index इस level range के अंदर दिखता है तो it's a very good opportunity to buy। But हमें वो तभी buy करना जब हमें यहाँ से एक possible reversal भी देखने को मिलता है। Because इसके अलावा अगर यहाँ से नीचे गिरना start करा, so our next area of value should be around very low, जो हमें इस level पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो आई पर्सनली थिंक कि अगर मार्केट इस तरीके से बुलिश है तो यहां पर एक पॉसिबल रिवर्सल वी कैन एक्सपेक्ट। अब लेट मी ओपन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। सो ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम अगर हम लोग चेक करें, ह्यूज गैप डाउन, आफ्टर दैट वो गैप को फिल करा, अगेन नीचे आया, अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करा विच इज अ वेरी गुड साइन, बट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, तो एक करेक्टरिस्टिक ब्रेक हो चुका है, लोअर हाई क्रिएट हो चुका है। अगर ये लो भी ब्रेक कर देगा अपना इस वाला लो भी अगर ये ब्रेक कर देता है तो यानी कि दोनों करेक्टरिस्टिक्स फुलफिल हो जाएंगे विच इज लोअर लो एंड लोअर हाई, तो हम एक छोटा सा डाउन ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं और वो एक छोटा सा हम लोग ऐसा रिट्रेसमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर अपनी अपॉर्चुनिटीज लेकर चलते हैं, बट अगर फाइनली इसका ब्रेकआउट हुआ तो डेफिनेटली हम एक अच्छी अप मूव भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। सो गाइस, बैंक निफ्टी का भी डेली चार्ट ओपन है एंड यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। क्लियरली एक डाउन ट्रेंड हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा था, आफ्टर दैट अभी रिसेंटली ही एक दो दिन पहले ही इसने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करा है एंड यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये एक प्रीवियस स्विंग हाई हुआ करता था, इसके ऊपर ब्रेक करा, इसके ऊपर क्लोज करा, विच इज अ वेरी गुड साइन। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर एक बुलिश रिवर्सल हमें देखने को मिल चुका है, बिकॉज अभी मैंने आपसे बताया था कि रिवर्सल पता लगाने के लिए आप बुलिश और बीरिश को पता लगाने के लिए दो करेक्टरिस्टिक्स नीड होते हैं। पहला करेक्टरिस्टिक बुलिश को फाइंड करने के लिए होता है एक हायर हाई और दूसरा होता है हायर लो। हम देख सकते हैं एक हायर हाई तो क्रिएट हो चुका है, बट अगर ये नीचे आता है और अपने इस लो को ब्रेक नहीं करता और वहां से ऊपर चले जाता है दोबारा, सो दैट मींस कि वहां पर एक हायर हाई और एक हायर लो क्रिएट हुआ और एक अच्छी मूवी दे सकता है। सो आई पर्सनली थिंक कि मैं यहां पर बैंक निफ्टी को बाय करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा, बट अगर एक बड़ी कैंडल ऊपर क्लोज कर जाती है इस ब्लैक कलर की लाइन के ऊपर तो डेफिनेटली मैं एक बाय सिग्नल तब ले सकता हूं, बट अभी नहीं, बिकॉज मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा नीचे एक रिट्रेसमेंट आए एंड वहां पर एक पॉज लेके अब स्टॉक अगर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो हम अपना एक बाय सिग्नल जनरेट कर सकते हैं।
ठीक है, हमें चाहिए एक बड़ी कैंडल, बुलिश कैंडल इस ब्लैक लाइन के ऊपर, इस सपोर्ट लाइन के ऊपर, अदरवाइज हमें चाहिए छोटा सा रिट्रेसमेंट बैंक निफ्टी के अंदर। अब बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट के डाटा की और देख और पता लगाते हैं कि नेक्स्ट एक्सपायरी हमें कौन से तरीके से देखने को मिल रही है। सो हम लोगों ने निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट ओपन कर लिया है जो कि 13th of January को एक्सपायरी हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर हम लोग चेक करेंगे तो हाईएस्ट कॉल राइटिंग हमें देखने को मिल रही है 17,900 एंड सेकंड हाईएस्ट है 18,300 पे। अगर आप लोग चेक करोगे तो लास्ट जो अभी एक्सपायरी गई है वहाँ पर हैवी कॉल राइटर जो एक्टिव थे वो 18,000 पे थे, बट अब 18,300 पे जाके शिफ्ट कर गया है, यानी कि देर इज अ हायर चांस कि अब ऊपर की तरफ मार्केट भी हल्के हल्के शिफ्ट कर सकती है जिस तरीके से हम लोग एक बड़ी बड़ी मूवमेंट्स देख रहे हैं। तो जितने भी कॉल राइटर्स उन्होंने फार मनी के हम लोगों ने देख रखा है कि कॉल शॉर्ट करके रखे हुए हैं। दूसरी चीज हैवी पुट राइटिंग अगर हम बात करें तो 17,600 और 500 पे है, जो कि अभी भी करंट लेवल से 200 पॉइंट नीचे है। तो यहाँ पर अगर हम लोग मान के चले तो जो दो बैरियर्स हैं जो ऊपर और नीचे जाने से रोक रहे हैं वो है 17,800 का एंड 17,900 का। अगर इसके नीचे सस्टेन करते हैं या इसके ऊपर थोड़ी देर ज्यादा सस्टेन करता है तो आइदर साइड हम लोग एक रैली देख सकते हैं। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। सो बैंक निफ्टी के अंदर हेवी कॉल राइटर्स एक्टिव है 38,000 रुपीज पे, जो कि अपने करंट प्राइस से ऑलमोस्ट 300-280 पॉइंट्स ऊपर है, ठीक है। बट यहाँ पर पुट राइटर्स बहुत तरीके से कम हो गए हैं। अब यहाँ पर अभी हमने बात करी थी कि बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट तो आ गया बट वहाँ पर हमें ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए बिकॉज अभी सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक फुलफिल हुई है। वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बस एक हाई क्रिएट हुआ है, वो भी अभी हुआ है। एंड अब जब तक एक लो क्रिएट नहीं होगा तब तक हमें वहाँ पर एक बाय की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती है। सो आई थिंक बैंक निफ्टी में हम लोग ने सही डिसीजन लिया अकॉर्डिंग टू चार्ट्स। अब जब तक 38,000 ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करता तब तक हम बाय की पोजीशन बैंक निफ्टी के अंदर तो डेफिनेटली बनाएंगे, और अगर 38,080 ऊपर क्लोज करता है तो दैट मीन जो हम लोगों ने सोचा था कि एक बुलिश ग्रीन कैंडल मिल जाए तो वो भी हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो इससे हमें तो ओपन इंटरेस्ट का डाटा क्लैरिफिकेशन मिल गया। FII के डाटा की बात करें तो कॉल उन्होंने 50,000 बाय करी हुई है, पुट उन्होंने 1.55 लाख बाय करे हुए हैं। इसको अगर हम लोग इग्नोर भी करते हैं तो इंडेक्स फ्यूचर उन लोगों ने बाय करा हुआ है, विच इज अ वेरी गुड साइन। इसके अलावा कैश के अंदर भी अब वो लोग अपनी बाइंग बनाए रखे हैं। यस, उन्होंने लगातार 4-5 दिन कंटिन्यूस बेसिस पर बाय करी, आफ्टर दैट उन्होंने एक फ्यूचर्स को जब निकाला एक्सपायरी वाले टाइम पे तो कैश होल्डिंग को भी निकाला था, बट मेरे हिसाब से दे आर बाइंग, ठीक है। सो आई पर्सनली थिंक कि मार्केट ज्यादा बड़ी फॉल भी नहीं करेगी और नीचे हमें एक रिकवरी भी देखने को मिलती रहेगी। बहुत आराम आराम से मार्केट नीचे जाएगी बट एक बार ऊपर भी जाने की कोशिश करेगी। जो मार्केट के अंदर बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिव है, सिर्फ आपको समझना है कि कौन सा रोल कौन सबसे ज्यादा प्ले कर रहा है, कौन सा बायर सबसे ज्यादा एक्टिव है और सेलर, आप एक कैंडल के बेसिस पे डिसीजन ले सकते हो। एंड उसके साथ अगर आप प्ले करोगे तो मार्केट पे आप प्रॉफिट कमा पाओगे। सो गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, इसके अलावा टेलीग्राम का भी आपको लिंक मिल जाएगा, क्योंकि हम सुबह लाइव भी आने वाले हैं अपने मार्केट पे मंडे को। कल हम लोग लाइव आएंगे 8:45 AM पे, तो वहां पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। 10 बजे तक हम आपके साथ लाइव रहेंगे। आफ्टर दैट 2:15 PM पे हम दोबारा लाइव आएंगे जब मार्केट क्लोज होने वाली होगी, और आपको ऐसा कुछ BTST बाय टुडे सेट टुमारो स्टॉक्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अलावा वीडियो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डाल दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड आई पर्सनली सजेस्ट यू गाइस कि वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। हैव अ वेरी गुड डे गाइस, गुड नाइट।